वास्तविक स्टूडेंट हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए वर्चुअल मशीन हमने ओपन कर रखा है, ये देखिए लाइनस आपका इंस्टॉल हो रहा है, ओपन हो रहा है इंस्टॉल आपने मैं कल किया था हम लोगों ने। आज हम लोग कमांड रन करेंगे। कमांड कहाँ पे रन करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको ये ओपन हो रहा है थोड़ा समय लेगा। देखिए ओपन हो रहा है थोड़ा समय लेता है, जैसे कि आपको मैंने बताया ओपन होने जाने हो जाने देते हैं। जैसे हम लोग डॉस में अपनी पूरी डायरेक्टरी देखने के लिए हम लोग कोड क्या कौन सा कमांड यूज करते थे, डी आई आर कमांड। लाइनक्स में हम लोग एल एस कमांड यूज करेंगे। कौन सा? एल एस कमांड। एल एस कमांड करंट डायरेक्टरी की फाइल की लिस्ट डिस्प्ले करता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा ये ओपन हो जाए कैसे इसको वर्क करेंगे। आपकी लिस्ट आ गई, ठीक है, हमने सर्किस ओपन किया, पासवर्ड डाला और साइन इन किया, हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको पता था मल्टी यूजर है, थोड़ा समय ले रहा हूँ इसके बीच बीच में आपके क्योंकि आपका ये इसमें चल रहा है वर्चुअल मशीन में चल रहा है। हमने आपका लाइनक्स इसमें इंस्टॉल किया है, वर्चुअल मशीन माध्यम से इंस्टॉल करके आपको वर्क कर रहा है। इससे हमारा ये फायदा होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपना जरा स्ट्रेस नहीं लेता है। ठीक है, ये देखिए आपका एक्टिव हो गया, ये आपका क्या सामने शो हो गया है, डेस्कटॉप आपको दिख रहा है। ठीक है, हम लोग लाइनक्स में देखिए आपको यहाँ पे डेट टाइम आ रहा है, फ्राइडे है आज, पूरा शो हो रहा है। फिर जब आपको डेस्कटॉप या ये जो आपको विंडोज, ये आपको विंडोज से विंडोज हो रही है स्टेटस बार। ठीक है, हम लोग रन करते हैं, शो एप्लीकेशन पे क्लिक किया, यहाँ से टर्मिनल को सर्च करेंगे। टर्मिनल इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ये विंडो ओपन हो गया। यह आपकी टर्मिनल विंडो है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कमांड देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया आपका कमांड, पहला कमांड आपको क्या है, एल एस मीन एल एस कमांड करेक्ट डायरेक्टरी ऑफ फाइल की लिस्ट को डिस्प्ले करता है। जैसे हमने यहाँ पे दिया एल एस और इंटर, ये देखिए आपको ए वन डी टू दो ये आपको दिख रहा है, ये आपका यूजर है, ये आपका ग्रुप है, नेम शो हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे इसको बताता हूँ। अभी हमने इसी में एल एस स्पेस हाइफन एल यूज किया, एल एस हाइफन एल। हाइफन एल क्या करेगा, ये आपको लॉन्ग लिस्ट
डिस्प्ले करता है डायरेक्ट्रिक या लॉन्ग लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइफन एल कमांड ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, कोई भी डायरेक्टरी है हम लोग नीचे लेके चलते हैं, ये जो आपको वीडियोस ये आप दिख रही है इसमें डी आर डब्ल्यू एक्स आर स्पेस एक्स आर स्पेस या हाइफन एक्स टू सदगुरु स्पेस सदगुरु 4096 जैन 12/13/41 में ये क्या है ये आपको बताता है। देखिए ये आपकी फाइल की परमिशन है जिसमें रहता है कि लॉन्ग लिस्ट डिस्प्ले करता है, जो भी आपकी डायरेक्टरी होगी उसके पहले क्या लगा होगा, डी लगा होगा। देखिए जो आपकी फाइल है वहां पे आपका सिर्फ हाइफन रहेगा, खाली रहेगा, इसको समझिए। जो भी आपको डायरेक्टरी आपके जो फोल्डर में डायरेक्टरी पड़ी है उसके आगे क्या लगा होगा, डी लगा होगा, जो फाइल होगी उसके आगे ब्लैंक होगा, हाइफन लगा होगा। ठीक है, ये आपका हुआ। तीसरा हुआ आपका फाइल परमिशन, यहां से यहां तक ये आपकी क्या है, फाइल परमिशन को शो करता है। किसको शो करता है, फाइल परमिशन। तीन प्रकार की परमिशन आपको दिख रही है, आर डब्ल्यू एक्स, आर मीन रीड, डब्ल्यू मीन राइट, आर मीन एक्स मीन एग्जीक्यूट। तीन प्रकार की परमिशन दिख रही है। फिर ये आपको जो दिख रहा है ये आपका लिंक को शो करता है, ये आपको यूजर नेम शो करता है, क्या शो करता है, यूजर नेम शो करता है। ये आपका क्या है, ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है। इसके बाद ये आपको साइज बताता है, साइज क्या है, ये आपको डेट, ये आपको टाइम, और ये आपको फाइल या डायरेक्टरी का नाम को शो करता है। क्लियर है, अंतर सिर्फ क्या है, जो आपकी डायरेक्टरी है उसके आगे डी लगा होगा, जो आपकी फाइल है उसके आगे ब्लैंक होगा। ठीक, अभी हमने क्या किया था, एलएस किया था, इस प्रकार से शो हो रहा था, जो आपकी डायरेक्टरी हो इस कलर की शो होगी, देखिए, और फाइल आपकी व्हाइट कलर की शो होगी। एक पहचानिए दूसरी क्या था, एलएस स्पेस हाइफन एल। ठीक है, मीन्स एल ऑप्शन फाइल की पूरी डिटेल को शो करता है, कौन कौन से, लिंक, ऑनर, ग्रुप, डेट ऑफ क्रिएशन, टाइम और फाइल का नाम, फाइल या डायरेक्टरी का नाम। देखिए परमिशन वाले कॉलम में जो पहला कॉलम आपको बताया कि वो आपको क्या शो करता है, कि आपकी फाइल की आपकी डायरेक्टरी, ठीक है, यदि डायरेक्टरी है तो डी लिखा होगा, यदि फाइल है तो ब्लैंक रहेगा। ओके, साथ ही साथ हम इसमें एक और आइकन यूज करते हैं, एल एस स्पेस हाइफन ए। अभी देखिए हमने सिर्फ एल एस यूज किया, इस प्रकार से शो हो रहा है, ये देखिए इतनी सिर्फ शो हो रही है, लेकिन यदि हमने एल एस के साथ हाइफन ए लगा दिया तो ये आपको जो हिडन फाइलें हैं, जैसे देखिए इसमें नहीं शो हो रही थी, ये आपकी हिडन फाइलें हैं, ये भी आपकी शो होने लगती है, हिडन फाइल्स और डायरेक्टरी जो भी है वो भी आपकी ये शो होने लगता है। क्लियर, इस प्रकार से हम लोग इसको शो करते हैं। अब डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, आपको शॉर्ट में बताते हैं डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं। डायरेक्टरी बनाने के लिए एक कमांड है एन के डी आई आर स्पेस डायरेक्टरी का नाम और इंटर,
इस नाम से पहले बनी हुई है, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। फिर एल एस किया, ये आपको यहाँ पे मनु नाम से शो हो रहा होगा, बन गई, ये मैंने पहले बनी हुई। लॉन्ग लिस्ट ले लिया, डायरेक्टली है डी लिखा हुआ है, कब बनाया, 4 जून, ये आपका डेट हो गया, ये आपका मंथ हो गया, आज कितने बजे बनाया वो पूरा सुन लिया, ठीक है। और आपको देखना है, चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी हमने बनाई वो आपकी इसमें आई कि नहीं आई। नहीं सोच रही, वो अलग से हमने डायरेक्टरी बनाई थी, ये आपका विंडोज ओपन हो गया, ठीक है। ओके, अब हमको उस डायरेक्टरी को ओपन करना है, क्या करना है, ओपन करना है, क्या कमांड देंगे, सीडी स्पेस डायरेक्टरी का नाम। देखिए अब यहाँ पे कमांड दिया, कोई फाइल नहीं है, हाइफन एल दिया, कुछ भी आपके लिए टोटल 0 बता रहा है। एल एस स्पेस ए दिया आपको, डॉट 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 क्या है, पेरेंट्स डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पे फिर से बनाया, अब एल एस दिया, एक डायरेक्टरी शो होने लगी, क्लियर है। इस प्रकार से हमने डायरेक्टरी बनाई। फिर से देखिए आप एल एस हाइफन एल दिया, लॉन्ग लिस्ट होने लगी, आया, क्लियर। इसी प्रकार से हमने एक डायरेक्टरी और बनाई, अब एल एस दिया, एल एस के साथ हाइफन ए दे दिया, एल एस हाइफन एल हाइफन ए तीनों यूज कर सकते हैं, ये आपकी पेरेंट डायरेक्टरी है, डॉट 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 ये आपकी नेम डायरेक्टरी, टोटल सिस्टम बता रहा है, क्लियर है। अब हमको दूसरी डायरेक्टरी को ओपन करना, क्या करेंगे, सीडी, देखिए सदगुरु एट द रेट सदगुरु वर्चुअल बॉक्स मनु एमपीपी डॉलर। अब हमको इस डायरेक्टरी से बाहर जाना, क्या यूज करेंगे, सीडी यूज करेंगे, सीधे सीधी कमांड देके इंटर कर देंगे, डायरेक्टरी से आपको ये बाहर कर देगा, क्लियर है। इस प्रकार से हम लोग टर्मिनल का यूज करते, देखिए आपकी टर्मिनल विंडो है, ये देखिए कट कॉपी पेस्ट सब हो सकता है, फुल स्क्रीन भी आ सकता है, देखिए ये सर्च कर सकते हैं, टर्मिनल है ये, साइज यहां से कट कर सकते हैं, विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं, इसे ओपन करना है, क्या लिखेंगे, टर्मिनल की दवाइए, ओपन हो गया, हम कमांड कहां पे देते हैं, टर्मिनल पेज पे कमांड टाइप करते हैं, जो भी हम कोडिंग करेंगे कहाँ पे करेंगे, उसके टर्मिनल पे करते हैं। कल ये मैंने आपको आज 2 कमांड बताए, 3 कमांड एल एस एम के डी आई आर और सी डी कमांड,
सीडी कमांड क्या मतलब क्या हुआ, चेंज डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में, दूसरी डायरेक्टरी से पहली डायरेक्टरी में मूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सीडी कमांड का प्रयोग करते हैं, चेंज डायरेक्टरी। ओके चलिए इसको हम लोग बंद करते हैं। कल मैंने आपको फायरबॉक्स के बारे में बताया था, उसको ओपन करते हैं। देखिए ओपन हो जाएगा। फायरबॉक्स क्या है, आपको जो इंटरनेट की फैसिलिटी लिनक्स में फायरबॉक्स वेब ब्राउजर है इसके माध्यम से प्रोवाइड होती है। ठीक है वहाँ वेट कर लेते हैं, अभी ओपन होगा। कल मैंने आपको फोल्डर क्रिएट करना बताया, और ये देखिए जितने भी एप्लीकेशन हैं आपके उसमें ये सब आपको यहाँ से शो हो रही है। हम यहाँ से एमएस ऑफिस भी ओपन कर सकते हैं जो लिनक्स में बाय डिफॉल्ट है। ये देखिए ये है, ये आपका फायरबॉक्स इसे ओपन होगा। देखा यहाँ से हम गूगल टाइप करके अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। देख रहे ऊपर हो गया लाइन, कोई भी वेबसाइट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ वो जैसा कि आपको बताया बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लाइनक्स होता है, इसमें वायरस की संभावना ना के बराबर होती है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपको देखिए एमएस ऑफिस है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सब आपको यहाँ से, जैसे एक्सेल को ओपन करना है यहाँ से हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं। ये देखिए लाइब्रेरी ऑफिस, बहुत पिन डैप लगाए यहाँ पे आपको ये पूरा शो होगा। देखिए शाम के लिए है, समय ले रहा है। जो आपके सॉफ्टवेयर है यहाँ पे आपके शो होंगे, यूबंटू सॉफ्टवेयर, ये देखना फाइल जो हमने आज बनाई आपको देखिए या आपकी शो हो रही है, मैंने बनाई थी इसको ओपन किया, उसको मेरे फोल्डर बनाए थे तो वो आपको शो हो रहा है। देखिए ठीक है अभी हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे वो भी आपको शो होंगे। देखो
तो नहीं मुहूर्त का समय ले रहा है निपन कर दिया हूँ। फिर देखिए ऑफिस सारी बंद कर दिया, काम ओपन हो गया था। आपका सिस्टम स्लो है इसे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। एम एस ऑफिस ओपन हो गई, हम जैसे उसमें टाइप करते हैं यहाँ भी उसी प्रकार से टाइप कर सकते हैं। आपके सभी ऑप्शन देखिए आपके हैं, एडिट मेनू है, सभी आपको फॉन्ट है, आपके टेबल ला सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए ये भी हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं, विंडोज बंद कर देते हैं, डम करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का ओके, लेक्चर बॉक्स यहाँ से बंद हो गया।